लोग जाते होंगे घूमने के लिए शिमला, मनाली, गोवा और न जाने कहां कहां हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए प्राकृतिक संपदाओं से घिरे हुए जगहों पर। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। और हजारीबाग मुख्यालय से महज 8-10 किलोमीटर की दूरी पर सीतागढ़ा में ये जुलजुल पहाड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं आप। पर्यटन स्थल के रूप में ये कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है। यूं तो यहाँ और कुछ नहीं है, जो है प्राकृतिक संपदाएं ही हैं। यहाँ कुछ वैसा पर्यटन स्थल के रूप में ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन ना कहीं जो है लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ घर हुआ? ओरिया। यहाँ से कितना किलोमीटर की दूरी पे? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो आप लोग तो कभी भी टहलते हुए आ जाते होंगे घूमने? कभी भी ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। अच्छा, कहीं पे और बाहर बाहर घूमने के लिए गए हैं ऐसा, इस तरह का हसीन वादी और प्राकृतिक में? बहुत गए। पारसनाथ हो गया। पारसनाथ मतलब लोकल में जितना भी हजारीबाग के अंदर सारा जगह। ये इसकी खूबसूरती के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत से लोग, मतलब और भी मेन मार्केट से भी बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे अगर आप आज शाम में आते हैं तो और भी यहाँ पे आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखता है, बहुत लोग आते हैं शाम में। मतलब टूरिस्ट प्लेस के रूप में अगर ये पूरी तरह हो जाए विकसित तो अच्छा खासा एरिया यहाँ पे जो है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप शाम में आते तो आपको और भी लोग दिखते हैं, मतलब तो संडे के दिन तो और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। क्या नाम है? अभिषेक यादव। तो क्या लगता है कि मतलब क्या तारीफ करना चाहेंगे अपने हजारीबाग के, सीतागढ़ा के झुलझुल पहाड़ी के बारे में? सही है हजारीबाग एक तरफ से बोले अगर हजारीबाग में तो बहुत सही है। हम लोग के लिए तो एक तरह से प्राउड का बात है कि ऐसा चीज़ हम लोग के जहाँ पे भी है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये पहाड़ी जो है कितना खूबसूरत लगता है जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो, और साथ ही साथ इतनी शांति है इस जगह पे। और आपको बता दूं कि हजारीबाग जिला मुख्यालय से महज 8-10 किलोमीटर की दूरी पे सीतागढ़ा प्लेस है और वहाँ पे ये जुलजुल पहाड़ी है। और देखेंगे आप आसपास काफ़ी पेड़ पौधे हैं, सारी ही प्राकृतिक संपदाएँ यहाँ नज़र आ जाएंगी आपको। अगल बगल में खेत खलिहान हैं, टूरिस्ट लोग जो हैं यहाँ पे और ख़ास करके आसपास के लोग तो अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए हैं, जैसा यहाँ के लोगों से बातचीत करने पर पता चला। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये पहाड़ लगता है और काफ़ी शांतिपूर्ण इलाका है। साथ ही साथ जो है यहाँ चिड़िया की चहचहाट आपको जो है सुनने को मिल जाएगी और अगल बगल जो है पालतू जानवर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो। और बहुत अच्छा प्लेस है, मतलब यहाँ पे अगर आप साफ सफाई के साथ, अगर यहाँ पे पिकनिक स्पॉट के रूप में अगर ये किया जाए कि हाँ भाई हमने पिकनिक मनाया परिवार वालों के साथ, दोस्त यार के साथ, और साथ में फिर कहीं कचरा नहीं फैलाया, समेट के ले गए फिर उसको, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत जो है और इससे ज़्यादा शांतिपूर्ण और बहुत बड़े एरिया में देख रहे हैं आप, अच्छे खासे एरियाज में जो है ये फैला हुआ है। और काफ़ी दूर तक आप देखेंगे अगर तो काफ़ी लोग कुछ ऊंचाई तक जा करके और जो है वापस आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से, थोड़ी धुंधली तस्वीर है लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो है सुबह के वक्त में, शायद एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुबह के वक्त में मॉर्निंग वॉक करते हुए और साथ ही साथ जो है ऊपर पहाड़ थोड़ी बहुत चढ़ाई की होगी उन्होंने और उसके बाद नीचे उनके वाहन लगे हुए हैं। और इस तरह से ख़ास करके मॉनसून फिर से जिस तरह से एक्टिव हुआ है झारखंड में, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इस तरह की हसीन वादियों में, ऐसे मौसम में लोग घूमना फिरना काफ़ी पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं। और अगर आपका बजट कम है तो आप और हजारीबाग के आसपास अगर रहते हैं या झारखंड के एरियाज में अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं, जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हजारीबाग से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर सीतागढ़ा है हजारीबाग मुख्यालय से। और ऐसे में सीतागढ़ा में ही जुलजुल पहाड़ी है, आपको दूर से ही इसके दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही 4-5 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे आपको ये दर्शन हो जाएंगे। कैसी आपको ये लगी वीडियो? क्या आप भी सीतागढ़ा के इस जुलजुल पहाड़ी में घूमने फिरने के लिए आए हैं? अगर आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और अगर आप पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अपनों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।